पटना विश्वविद्यालय 1917 में जिसकी स्थापना की गई थी वहां पर मेरी मौजूदगी है। हजारों की तादाद में युवा आते हैं यहां पर और अपने सपनों को पूरा करने के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन इस बार के चुनावों में क्या है उनके मुद्दे, क्या है उनकी सोच, अब की बार वो कौन से बिहारी को बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री, तमाम सवालों का जवाब तलाशने के लिए हम चलेंगे अलग अलग इलाकों में। और आज आपको बताने वाले हैं हम बांकीपुर विधानसभा का हाल। युवा यानी किसी भी देश, समाज और संस्कृति की नवचेतना, नव ऊर्जा और नव सृजन का प्रणेता। आज जब बिहार अगले 5 साल के लिए अपने भाग्य की बागडोर थामने की काबिलियत रखने वाले हाथों की तलाश में है, तो उसकी नजर एक बार फिर अपने युवाओं पर टिक गई है। और हो भी क्यों ना, आनुपातिक आधार पर देश में सबसे बड़ी युवा आबादी वाला राज्य है बिहार। अगर आंकड़ों की माने तो बिहार में 12.5 करोड़ की आबादी में से 58% आबादी युवाओं की है। 2020 के चुनाव में 75 लाख ऐसे युवा मतदाता हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, यानी उनकी उम्र 23 साल से कम है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में 20 से 29 आयु वर्ग के 1.60 करोड़ वोटर हैं, तो वहीं 1.98 करोड़ से ज्यादा वोटर ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 से 39 साल के बीच में है। बिहार में 18 से 40 की उम्र के करीब 2.5 करोड़ वोटर हैं। वोटर से तर अगर बात उम्मीदवारों की करें तो उम्र के मामले में कानूनी प्रावधानों के अनुसार कोई भी 25 साल का युवा विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन बीते सालों में ये देखा जाता रहा है कि आबादी के अनुपात में राजनीतिक दलों से युवाओं को उचित हिस्सेदारी कम ही मिल पाई। उदाहरण के तौर पर मौजूदा विधानसभा में 25 से 30 साल की उम्र के महज 5 विधायक हैं, जबकि 31 से 40 की उम्र वाले विधायकों की संख्या केवल 32 है। लेकिन इस बार ये भी बदलने वाला है, इस बार चुनावी अखाड़े में कई युवा ताल ठोक रहे हैं। बिहार में चुनावी पारा लगातार चढ़ता हुआ चला जा रहा है और इस बार के मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बनाने का काम किया है कुछ युवा चेहरों ने, जिसमें पहला नाम आता है 31 साल के तेजस्वी यादव का, जो नीतीश कुमार को हराने का इस बार दम भर रहे हैं और खुद वो महागठबंधन से सीएम पद के उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ है एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान, उनके भी राजनीतिक दुश्मन नीतीश कुमार ही हैं, जबकि तीसरा चेहरा है मुकेश सहनी का, जो कि एनडीए का हिस्सा है और वीआईपी पार्टी जो 2018 में ही अस्तित्व में आई थी। ऐसे माहौल में हर दल और गठबंधन इन चुनाव में युवाओं के महत्व को बखूबी समझ रहा है। यही वजह है कि बिहार में युवा वोटरों को साधने के लिए पार्टियां एक से बढ़कर एक लुभावने वायदे कर रही हैं। जहां महागठबंधन ने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया है, तो वहीं बीजेपी ने 19 लाख नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराने की बात कही है। 10 लाख रोजगार तो कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा जीतेंगे। न केवल 19 लाख रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि हमारी 1 करोड़ महिलाओं को भी आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। वो खाली पदों को तो भरना ही है, और यूनिवर्सिटी चले जाओ प्रोफेसर की कमी है, हॉस्पिटल चले जाइए डॉक्टर्स की कमी है, नर्स की कमी है, तो आप 4.5 लाख तो ऑलरेडी जो है वो खाली है। जो 5.5 लाख जो नौकरियां जो हम बता रहे हैं वो सभी राष्ट्र औसत के मुकाबले सभी मानकों को मिलाते हुए मिला के करना है। 12 बड़ी स्कीम्स, 12 बड़े निर्णय हम लेकर आए हैं। बिहार करवट ले रहा है। इन वादों और इरादों पर बिहार के युवा को कितना यकीन है, ये जानने के इरादे से आज हम अपने बुलेट लेकर पहुंचे हैं पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में। दो हजार
2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई बांकीपुर विधानसभा सीट पर अब तक सिर्फ दो बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं। दोनों ही चुनावों में बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा जमाया है। 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के नितिन नवीन लगातार दूसरी बार जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के कुमार आशीष को 39,767 वोटों से हरा दिया था। इस बार उनके मुकाबले में उनके ही दो हमउम्र हैं।